16 घंटे कराची की लाइट नहीं है कराची में, बिलक रहे लोग 16 घंटे इस शदीद गर्मी में, पीने का पानी कतरा नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा 90% कराची में, कचरा नहीं उठ रहा, एक नौकरी नहीं दी है 2.5 लाख नौकरियों में, एक नौकरी, एक चपरासी की नौकरी नहीं दी है सरकारी। प्राइवेट इदारों में बंदे काम पे लग जाते थे, उन प्राइवेट इदारों को ना गैस दे रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं, टैक्स का बम गिरा रहे हैं, वो सब फैक्ट्रियां बंद कर करके बाहर जा रहे हैं, वो पंजाब में जाकर फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, वो कोलंबो में जाकर फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, वो दुनिया की और जगहों में जाकर। तो प्राइवेट जब फैक्ट्रियां बंद होगी तो कौन वहां पर नौकर रखेगा फिर? वो दरवाजे बंद। कराची वालों के लिए सिर्फ फूड पांडा में नौकरी रह गई है, बस सिर्फ फूड पांडा में नौकरी रह गई है बस। आप सड़क बना नहीं रहे, एक नया कॉलेज नहीं है, एक नया स्कूल नहीं है, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं है, एक नई दर्जगाह नहीं है, कहां लेकर जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? कौन रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब अपने अपने 3-3 साल का टेन्योर, अपनी अपनी अफसरी झाड़कर सब चले जाएंगे बस, कि हमने अपना टाइम जबरदस्त तरीके से गुजार लिया, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया।